तो मुझे ऐसा लगता है कि भिवानी से CPIM, जगाधरी से आम आदमी पार्टी इसके उम्मीदवार मजबूत में नजर आ रहे हैं, और वो जो आने वाली विधानसभा है उसमें कहीं की उनकी एंट्री संभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और प्रचार के लिए कुछ घंटे ही बचे हैं, और सभी पार्टियां जो है इस समय सर धड़ की बाजी लगा रही हैं। लेकिन बावजूद इसके बड़ी पार्टियां यहां पूरा जोर लगा रही है, कुछ नई पार्टियां जो है वो इस बार हरियाणा की राजनीति में दस्तक देती हुई नजर आ रही है। ये यूं कहे कि पार्टियां चाहे वो पुरानी है लेकिन हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हुई है और हरियाणा की राजनीति में वो दस्तक देती हुई नजर आ रही है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार है। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस बार हरियाणा की राजनीति में किस तरह की बिसात बिछ सकती है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद राजेंद्र जी। मेहरा साहब, कांग्रेस पार्टी जो है इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे वेव बन रही है कुछ की, और लोग कहीं ना कहीं उस तरफ झुकाव देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले विश्लेषण किया, जो होने वाला है वो तो 8 तारीख को सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने 10 साल के इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसमें जजपा है और इनेलो है, जो गठबंधन में है और कहीं ना कहीं सेंध लगा रही है जाट और दलित जो वोटर है उनके बीच में। लेकिन इस सब के बीच आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ CPIM एक सीट पर लड़ रही है, कांग्रेस ने उसको एक सीट दी है, वो किस स्थिति में आप उनको देखते हैं? क्या लग रहा है आपको कि कैसी पोजीशन है उनकी? देखिए राजेंद्र जी, आपने CPIM की और आम आदमी पार्टी की बात की है कि उनकी हरियाणा में क्या स्थिति रह सकती है और जी चुनाव उनके कहां उनका किधर चुनाव जा रहा है उनका। जी जी, आज 2 अक्टूबर हो चुकी है, हो गई है, तो अब भी चुनाव का प्रचार का आखिरी दौर है जी। कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा जी, और इस आखिरी दौर में सभी पार्टियां एक सिर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं, एक दूसरे पर हर तरह से प्रभावी होने के लिए अपना चुनाव प्रचार में जो भी है श्याम दाम दंड भेंट बिल्कुल उन्होंने अपनाई हुई है, और सभी स्टार प्रचारक उनके हरियाणा में पूरे एक धुआंधार प्रचार के साथ जो रैलियां कर रहे हैं जी, और जो यात्राएं कर रहे हैं, तो उनसे मुझे लगता है स्थिति सभी पार्टियों की लगता है स्पष्ट हो चुकी है जी। और इस स्थिति में आज हम अगर देखते हैं तो हमारे पास जो इनपुट्स हैं और जो हमने विभिन्न जिलों में नीचे धरातल पर जो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लोग काम कर रहे हैं जी जी, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत की है और उनसे ये निकल के आया है कि अब की बार दो जो पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी और CPIM जी कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा में अब की बार अपनी एंट्री जो है ना दर्ज करवा सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। यस, यस, जी अच्छा, तो अगर हम CPIM की बात करें, CPIM जैसे एक सीट से पर भिवानी सीट पर चुनाव मैदान में है, कांग्रेस के साथ अलायंस में समझौता किया है, बड़े लंबे समय के बाद वो किसी मेन पार्टी के साथ मुख्य पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव मैदान में उतरी है जी। और CPIM का मैं बात करूं तो पिछले कई दिनों से कांग्रेस के टिकट वितरण से पहले कांग्रेस के साथ समझौते की बात जो चल रही थी, CPIM 3 सीटें वहां पे हरियाणा में मांग रही थी जी, एक जींद की सीट और एक टोहाना की सीट मांग रही थी और एक भिवानी की सीट मांग रही थी, तो इन 3 सीटों में अल्टीमेटली एक सीट पर ही समझौता हो पाया और भिवानी की सीट पर जो CPIM के चुनाव लड़ रहे हैं ओम प्रकाश जी, तो उनको मुझे लगता है ये भी नहीं पता था कि आपको टिकट मिल सकती है नहीं मिल सकती है, बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, एक नीचे धरातल से उठे हुए व्यक्ति हैं और पूरे उन वो अपनी पार्टी से डेडिकेट रहे हैं पूरा जी जी, से। जी जी, और मैं ये अगर ये कहूँ कि साइकिल पे चलने वाले आदमी है वो, और कोई ज्यादा मुझे लगता है पैसे का तामझाम भी नहीं है जी, और बाजार में आम लोग उसको उनको साइकिल पे या स्कूटी पे देख सकते हैं, तो उनको टिकट एकदम उनके उनको पता चला
कि आपको टिकट, आपकी टिकट क्लियर हो चुकी है। हालांकि जो तीन जो दावा था तीन सीटों पर भिवानी, जींद और टोहाना की जी, उनके पहले सीपीआईएम ने उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके कैंडिडेट के जो होने वाले कैंडिडेट थे उनके डॉक्यूमेंट्स पार्टी में दिए हुए थे, और इस वजह से उनको फोन आया एकदम कि उनको उनकी टिकट क्लियर हो गई है, अपनी तैयारी करें। तो उनको एकदम हैरानी हुई जी, उन्हें तो कहता वो कहते सुने गए हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि टिकट मिल भी सकती है नहीं मिल सकती है, हालांकि उनको टिकट मिल गई। लेकिन भिवानी जो सीट रही है भाजपा का गढ़ माना जाता है जी जी जी, घनश्याम सराफ वहां से, हाँ मैं तीसरी बार चुनाव मैदान जी, मैं यही बोलने वाला था कि घनश्याम सराफ जो है वो तीसरी बार वहां पे चुनाव मैदान में है और एक अच्छे लीडर है वहां पे। मुझे लगता है तीसरी बार नहीं चौथी बार वो चुनाव मैदान में, तीन बार विधायक रह चुके हैं जी, 2009 में, 2014 में और 2019 में जी 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 कराए, तो अब की बार चौथी बार वो अपना चुनाव चौका लगाने के लिए तैयार हैं। और देखने वाली बात है कि वो उनको भिवानी की जनता जिताती है कि नहीं जिताती है, लेकिन जो तीन बार विधायक बनने के बाद भी कहीं ना कहीं भिवानी की जनता का मानना है कि विकास में भिवानी शहर जो भिवानी उनके विधानसभा क्षेत्र है कहीं ना कहीं पिछड़ा है, तो इसलिए उनको भिवानी के लोगों को अभी एक आशा जगी है कि जो साधारण से, जो साधारण परिवार से जो कैंडिडेट हैं, बिल्कुल एक सामान्य जीवन बिताने वाले जो ओम प्रकाश हैं, वो सीपीआईएम से कैंडिडेट आए हैं और उनकी कहीं ना कहीं तरफ, उनकी तरफ लोगों का रुझान हुआ है। वो पूरी तरह से गांव के लोगों की, शहरी जो नीचे एक तबके के लोग हैं, गरीब आदमी, उनकी बात को कहीं ना कहीं एड्रेस करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और पहले भी उन्होंने जी, पहले भी उन्होंने अपने आप को गरीब आदमियों से, मजदूर से और आम आदमी से कनेक्ट रखा है, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी तरफ लोगों का एक आशा जगी है कि ओम प्रकाश कहीं ना कहीं विकास में एक नई तेजी भिवानी में ला सकते हैं। तो ये ऐसा मुझे ऐसा लग रहा, मैं सर आपसे सहमत हूँ भिवानी में, हाँ भी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं जैसे कि पिछले जो समय रहा है, पिछले समय में भिवानी में उस तरह से जो विकास के कार्य वो नहीं हुए, या जो हमारे सीपीएम के कैंडिडेट हैं वो उतना धरातल पे जाके लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसे कौन से तथ्य हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सीपीआईएम जो है वहां से जो भारतीय जनता पार्टी पर भी, जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, उस पर हावी होती नजर आ रही है? हाँ, तथ्यों की अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी है पिछली बार, है ना, पिछली बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने 61,000-60,000 से ऊपर वोट प्राप्त किए थे जी, और अगर टोटल वोट की बात करें 2,20,000 वोट भिवानी विधानसभा क्षेत्र के हैं जी, और उनमें 1,00,000 वोट हैं जो भिवानी शहर से के हैं, इसके अलावा जो गांव पड़ते हैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 1,20,000 वोट गांव के वोट हैं। तो इनको अगर देखें तो पिछली बार तो 50,000 उन्होंने जो कैंडिडेट जो हारे थे उन्होंने प्राप्त किए थे, और तो घनश्याम दास की और अभी ओम प्रकाश की जो एक सीधी टक्कर है, सीधा मुकाबला भिवानी में देखने को मिल रहा है। घनश्याम दास जैसे चौथी बार चुनाव मैदान में है तो लोगों को कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, और इसलिए दूसरी ओर ओम प्रकाश से ज्यादा अपेक्षाएं मुझे लगता है बनी हुई है, और ये अपेक्षाएं इसलिए बनी हुई है कि जो वोट है, जो शहरी और ग्रामीण जो वोट है, ओम प्रकाश ज्यादातर ग्रामीण जो वोट है उन पर ज्यादा दावा करते हैं, और एक मुख्य बात ये है कि वहां से आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो इंदु शर्मा है जी। इंदु शर्मा वासुदेव शर्मा की जो पूर्व मंत्री रहे हैं भिवानी के से, विधायक रहे हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, और वो बहुत मजबूत स्थिति में मुझे लगता है, जीतने की स्थिति में तो मुझे लगता है नहीं हो सकती, लेकिन वो एक स्थिति उनकी ऐसी है वो जितना ज्यादा वोट गेन करेंगी, जितना ज्यादा वोट प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं घनश्याम सराफ को उनको डेंट पहुंचता है। पिछले दिनों जब मेयर के चुनाव थे उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा था और 22,000 शहर से 22,000 वोट पाए थे उन्होंने, और इतना एक वोट पाना एक कहीं ना कहीं उसके जी जी हाँ विधानसभा में भी ये काम आएगा, और विधानसभा में अगर ज्यादा ज्यादा वोट पाएंगे तो घनश्याम दास सराफ को कहीं ना कहीं नुकसान होगा।
और दूसरी ओर जो जो छवि है ओम प्रकाश की, सीपीआईएम के जो वो उम्मीदवार हैं उनकी जो छवि है, कहीं कहीं लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। वो साधारण सी व्यक्ति हैं जी जी, और एक राजनीति में नई शुरुआत करना चाहते हैं, और लोगों की भी ये कहीं कहीं आशाएं हैं कि राजनीति में कुछ बदलाव हो। हाँ, लोगों को लगता है कि हमारे बीच का एक इंसान हमारा प्रतिनिधि बनकर जाएगा, तो शायद हमारी जो समस्याएं हैं उनको ज्यादा डिटेल से ज्यादा निश्चित रूप से जी, लोग भी उनमें एक नई राजनीति की शुरुआत की एक आशा की किरण देखने लगे हैं जी जी जी। इसलिए कहीं कहीं लोगों का जो ध्यान है वो ओम प्रकाश की तरफ बना हुआ है जी। और ओम प्रकाश आज के जो पहले से चुनाव जब से शुरू हुआ था, जो इलेक्शन चुनाव प्रचार जो शुरू हुआ था, पहले घनश्याम दास कहीं कहीं जी का ज्यादा एक भारीपन दिखाई दे रहा था, लेकिन आज की जो अंतिम चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है उसमें कहीं कहीं जो ओम प्रकाश है सीपीआईएम के, वो कहीं कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं जी। और मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं होगा, वो सीपीआईएम के यहाँ से एक विधायक बन सकते हैं। इससे पहले सीपीआईएम के विधायक टोहाना से बने थे, एक ही विधायक बने थे टोहाना से 1987 में, कामरेड अरपाल। उसके बाद सीपीआईएम की एंट्री इस जो भिवानी क्षेत्र है, आपकी विधानसभा में एंट्री दर्ज हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं इस बार जो हरियाणा के लोग हैं बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं, और उस चीज का जो है फायदा उनको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के साथ अलायंस है, तो कांग्रेस का जितना भी वोट है उस सारा का सारा वोट यहाँ कर, कांग्रेस के साथ अलायंस होने का फायदा तो मिलेगा। अलायंस में कांग्रेस वोट जो है उनके पक्ष में आ जाता है, बिल्कुल। उधर जो उनकी छवि है, उधर जो इंदु शर्मा जितने ज्यादा वोट ले जाएगी, तो ये दो तीन और मजबूत फैक्टर है ना जो ये ये चुनाव में काम करेंगे। और मुझे देखिए ओम प्रकाश, एक चीज मुझे लगता है मेरे साथ मुझे एक चीज और लगती है कि जब लोगों का मूड बदलाव का होता है, अगर 2014 की बात करें तो एक आंधी आई थी, और वो कैंडिडेट जो बिल्कुल नए थे, जिनको राजनीति का कुछ भी नहीं पता था, वो कैंडिडेट भी जीत कर कहीं ना कहीं विधानसभा में पहुंच गए थे। तो जब लोग बदलाव के मूड में होते हैं तो लोग कुछ भी कर जाते हैं। अब दूसरी तरह आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, तो मैं जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की कौन सी सीट जो है वो आपको लगता है कि इस समय बाकी उम्मीदवारों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, हमने अब सीपीआईएम की बात की है, सीपीआईएम जो भिवानी एक सीट से ये चुनाव मैदान में है, वो कहीं कहीं सीपीआईएम के जो ओम प्रकाश है वो भारी है जी। और वो कहीं कहीं अपनी एंट्री विधानसभा में दर्ज हो सकती है उनकी। दूसरी ओर जगाधरी की आपने बात की है, जगाधरी में जो भारतीय जनता पार्टी के जगह जो उम्मीदवार हैं वो कंवरपाल गुज्जर हैं, वो तीसरी बार चुनाव मैदान में, दो बार पहले रहे, अच्छे लीडर हैं, एक पावरफुल जो डिपार्टमेंट है ना वो मंत्री रहे हैं जी जी जी, शिक्षा मंत्री रहे हैं, और अब जो नायब सिंह सरकार में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो तीसरी बार वो चुनाव मैदान में। उनके साथ साथ जो अक्रम कांग्रेस के अक्रम खान है, कांग्रेस के अक्रम खान पिछली बार कंवरपाल गुज्जर से ही आ रहे थे, तो फिर कांग्रेस की पार्टी के चुनाव वो टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका जो जो टिकट है उनकी आई है वो कुमारी सैलजा के थ्रू टिकट आई है जी। तो ऐसे में कहीं कहीं दोनों का अच्छा मुकाबला है, लेकिन इस जगाधरी सीट पे आम आदमी पार्टी ने बहुत रोचक के एक मुकाबला बनाया है जी, और दोनों के लिए सिरदर्दी पैदा कर रहा है। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार आदर्श पाल सिंह है, आदर्श पाल सिंह जो पहले कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, कांग्रेस से वो टिकट नहीं मिला जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया, तो आज आम आदमी पार्टी उनके पूरे जोर शोर से प्रचार। हाँ, मुझे लगता है केजरीवाल जी ने भी अपनी रैली की थी वहां पे, है ना, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये हमारा जिताऊ उम्मीदवार है। और जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल जी, वो उनकी रैली के लिए आए थे जी, जी, और रैली की थी, बहुत भारी रैली थी जी, और कहीं कहीं लोगों को उन्होंने एड्रेस किया है और लोगों ने उनकी बात को समझा है, सुना है। और उस रैली की अगर हम बात करें, उस रैली में जो इनपुट हमें मिला था, मैक्सिमम लोग जो रैली में आए थे, रैली के आसपास थे, इलाके के लोग थे, वो कहीं कहीं आदर्श पाल सिंह की बात कर रहे थे, और आदर्श पाल सिंह दोनों पे कहीं कहीं मुझे लगता है भारी पड़ रहा है। वहां एक खास बात और देखने वाली है कि जैसे वहां पे INLD और BSP के उम्मीदवार जो दर्शन लाल खेड़ा जी चुनाव मैदान में जी,
दर्शनलाल खेड़ा जो इनेलो के वोट के साथ साथ अगर जो बीएसपी का वोट है, बीएसपी मायावती से जुड़ा हुआ जो वोट है, अगर वो वोट लेने में जो बीएसपी का वोट है वो वोट प्राप्त करने में अगर कामयाब रहते हैं तो कहीं कहीं जो इसको जो आदर्श पाल सिंह को कहीं कहीं फायदा हो सकता है, ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि जो एससी का वोट आजकल जो चुनाव में एक ट्रेंड बना हुआ है, एक जो हवा बनी हुई है कि एससी वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है, अगर कांग्रेस की तरफ वो वोट नहीं गया तो निश्चित रूप से आदर्श पाल सिंह बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। और कंवर पाल सिंह की अगर बात करें, कंवर पाल सिंह के एंटी इनकम्बेंसी का जो सामना करना पड़ रहा है, जो सत्ता विरोधी जो एक जी एक विचारधारा बनती है लोगों का, एकदम से वेव बनती है लोगों में, यस यस, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, जो कंवर पाल गुर्जर है उनको खुद को भी एंटी इनकम्बेंसी का और उनकी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है। और आदर्श पाल सिंह निरंतर लगातार कहीं ना कहीं उनका चुनाव उठा है और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और जी चुनाव का जो चुनाव प्रचार का जो अंतिम दौर है, अगर इस आज का जो हालात है, इस हालात के अनुसार मतदान 5 तारीख को जो मतदान होता है, तो कह सकते हैं जो आदर्श पाल सिंह है उनकी बहुत मजबूत स्थिति है और वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की एंट्री आगामी विधानसभा हरियाणा विधानसभा में दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए हम इन दोनों सीटों पर अगर आज हमने बात की है तो मुझे ऐसा लगता है कि भिवानी से CPIM और जो जगाधरी से आम आदमी पार्टी इसके उम्मीदवार मजबूत में नजर आ रहे हैं और वो जो आने वाली विधानसभा है उसमें कहीं ना कहीं उनकी एंट्री संभव है। सो दोस्तों 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, बावजूद इसके हमारा जो विश्लेषण है वो कुछ इस तरह की हो सकता है कि भिवानी सीट पर CPIM के कैंडिडेट जो है वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जगाधरी की बात करें तो वहां पे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो एक मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो आगे की खबरें देखने के लिए देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का, आपके हर सुझाव का स्वागत है। और देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद रंजन जी आपका।